लेकिन, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जो शुरू की आवाम थी ना वो तो निकल के पाकिस्तान से चली गई जी जी आई थिंक इट इज अपॉन माई बुक एक्चुअली आई रिटन अ बुक विच इज इट्स कॉल्ड ट्रेजिडी और उसका टॉपिक ही ये है कि किस तरह महाजरीन पाकिस्तान में आए और uh, किस तरह से उन्हें uh, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो बड़े बुक का हैं, नाम दोबारा बताइए द महाजिर ट्रेजडी द महाजिर ट्रेजडी एंड ये वाकई में ट्रेजडी है इसकी उस, स्टोरी यही है कि किस तरह महाजरीन पाकिस्तान आए और किस तरह से अब uh, उन्होंने रेसिज्म फील करना पड़ा मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि महाजरों के साथ डिस्क्रमिनेशन तो नाइनटीन से शुरू हो गया था इतना हो गया था कि मिस्टर जिना हु द गवर्नर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान हैड टू टर्मिनेट the first CM of Sindh, uh, Mr. Uh, Ayub Khodo, uh, for his racist attitudes towards Mahajar Kyunan in 1948, mein Mahajaro pe lati charge kara diya tha. He was opposed to making Karachi the capital of Pakistan. He was opposed. He was opposed to it. और उन्हें कायदे आजम के घर के बाहर बहुत बड़ा इतिजाज किया था. अच्छा ये documented बात है. ये documented बात है and he was terminated by. तो जो वो लोग कहते हैं ना कि racism की कड़ियाँ कहाँ से आईं और Mahajan ने discrimination इट स्टार्टेड इन 1947 फोटी um, कुछ हमारी भी गलतियां थीं कि हम लोग सपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में थे माना uh, लेकिन अच्छा। वो पढ़े लिखे लोग थे पेट्रियाटिक लोग थे और फिर 1950 50s में फसदात हुए जब एयूब खान ने uh, कुछ पश्तूनस को लाके के यहाँ पर ज़बरदस्ती माइग्रेट uh, कराने की कोशिश की और आई थिंक कराचीज़ बिगेस्ट ट्रेजडी वॉज मूविंग ऑफ द कैपिटल फ्राम कराची जो जिना साहब ने पाकिस्तान का कैपिटल कराची बनाया था जब उसे आप इस्लामाबाद जाके बसा देते हैं तो कराची वाले यतीम हो गए और कराची ब्रोक एंड डेट वॉज द बिगेस्ट ट्रेजडी फिर भी महाजरों ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा अपटिल नाइनटीन सेवेंटी वन और ये एक तो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है ना एक तरह से क्योंकि जैसी महाजरों की पूरी की पूरी एलीट कराची आती है माइग्रेट uh, करके तो वो तो इसी पॉइंट में थे कि यार हम लोग आए हैं एक कैपिटल है और हम इसको चलाएंगे और साथ मिलकर चलाएंगे और चलाया, और पाकिस्तान और चलाया, और चलाया, चलाया, चलाया मतलब फर्स्ट एयरलाइन टू फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट बैंक वाज फॉर्म बाय महाजेस ऑफ कराची एंड एजुकेटेड देस अब हम आते हैं नाइनटीन में जब महाजरों ने साथ दिया फ़ातमा जिना का तो अयूब खान न्यू व्हाट वुड हैपन और फिर कराची वालों को तो सज़ा दी गई 1965 के इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट रहमान फ़ातिमा जना के साथ खड़े थे कराची की पूरी क्यादत उर्दू स्पीकिंग महाजर से. की फ़ातमा जिना के साथ और जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ और फिर एयूब खान के जो बेटे गौहर गौहरूब ने यहाँ पे अपना एक सेलिब्रेशन का प्रोसेशन नाजमाबाद गुजर नाले के करीब निकाला और उसमें कितने लोगों को कत्ल करा दिया नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटी फाइव में उसके बाद कराची में एथनिक फसाद उन्होंने उन्होंने कराए थे हम लोगों ने थोड़ी किए थे माजरों ने अच्छा। तो फिर उसके बाद नाइनटीन सेवेंटी वन में आते आ, भुट्टो साहब वन यूनिट टूटा बांग्लादेश बांग्लादेशा हुआ और आई थिंक दैट इज़ द डिफाइनिंग पॉइंट फॉर महाजिज़ क्योंकि महाजिज ने अब तक नाइन ये हमारे बुजुर्गान महाजिज जो थे उन्होंने इंटेलेक्चुअल ने यही सोचा था कि अब क्योंकि हमारे वोट था राइट विंग जमात इस्लामी हम लोग पाकिस्तानीत पर यकीन करते थे अपू नाइनटीन सेवेंटी वन और इस्लाम पर भी इस्लाम पे पाकिस्तानियत इस्लाम और उस, उसी नारे के के बन के रहेगा पाकिस्तान पे माइग्रेट किया सेवेंटी वन में ने पता चला कि जो दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद के हिंदू और मुसलमान है तो हमने नाइनटीन सेवेंटी वन में देखा कि दो मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते और और ये बहुत बड़ा हादसा था और नाइन, दो मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते मल्टीपल नेशंस कोड ओनली सर्वाइव हम लोगों ने ये एक आइडियोलॉजी पे आए कि मल्टीपल नेशंस एक साथ एक मुल्क में उसी वक्त रह है सकती हैं जब उनका इंसाफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मिले जब उन्हें उनके कल्चर को इज़्ज़त दी जाए जब उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए और जस्टिस हो तो 1971 के बाद अगर आप उर्दू स्पीकिंग या महाजिज को दे, देखें तो दे बिकेम एथनिक और आप फिर भुट्टो साहब आए उन्होंने आ, काफ़ी टाइम बाद हुआ है, मतलब 1971 और 1947 के बीच में बहुत बड़ा गैप है इस पूरे टाइम कोई ना कोई शोर शराबा नहीं हुआ था महाजर बहुत से। बहुत आ, एजिटेशन की कोशिश की जाती थी महाजिज व डिवाइड अपटिल दैट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट सोशलिस्ट मूवमेंट थी आ, आ, लेकिन अप अपट्टर सेवेंटी वन आई थिंक जो महाजर रियलाइज अबाउट टू नेशन थ्योरी के uh, जब तक जो पाकिस्तान का आइडिया था टू देम एट फिनिश एंड दैट वाज स्टेप नंबर टू पहला आपका कैपिटल चला गया उसके बाद जिस बुनियाद पे आपने माइग्रेशन की थी वो टू वो बुनियाद आइडियोलॉजी खत्म हो गई आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाता इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस में आ, आ, चुके थे उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने जो लैंग्वेज राइट्स हुए कराची में आ, आ, जो सिंधी को आ, आप पे थ्रस्ट फोन किया चीज़ों पे और उसके बाद बहुत सारे चीज़ें आउट ऑफ भुट्टो साहब ने क्यों किया था ऐसा आई थिंक भुट्टो साहब वाज भुट्टो साहब पहली बात है कराची को फतह करना चाहते थे और मेरा नहीं ख्याल कि कराची जब uh, uh, भुट्टो साहब फतह कर पाएंगे या आज तक कोई कर पाएगा क्योंकि कराची वाले इज ऑलवेज बिन अपोज विद दिन आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टी एंड भुट्टोज इन कराची और uh, आप जितने भी आज कोशिश कर लें बट uh, एक कराची वाला जो कराची में रहने वाला सेइंग ओनली महाजज एनी बडीज इज पंजाबी और पठान हुज लिव्ड इन कराची फॉर थर्टी फोर्टी ईयर्स अ कराची वाला वुड नेवर एक्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एट लीस्ट इन कराची अनलेस आप आउटस्कर्ट्स में आप कुछ भी जो करते हैं अपनी चीज़ें कर लें मैनिपलेसन uh, कर लें बट नो हाँ तो आफ्टर सेवेंटी थ्री पे जाहरी बात है सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन में ए पी एम एस ओ एम की एम स्टार्ट हो गई और फिर एटी फोर में एम की एम बन गई बट uh, चिंगारियाँ तो बहुत पहले से जल रही थी चीज़ों पर तो महाजर पॉलिटिक्स है शिफ्टड फ्राम राइट विंग बिफोर नाइनटीन सेवेंटी वन टू एथनिक बेस्ड पोलिटिकल लिंग्विस्टिक स्ट्रगल जैसे कहते हैं uh. ना तो वो पूरा शिफ्ट आया